السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سن 1982 کو احمدیت کی تاریخ میں ایک خاص امتیازی مقام بھی حاصل ہے اور وہ یہ مقام ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلا معموریت کا الہام ہوا وہ 1882 میں ہوا تھا گویا معموریت کے دعوے سے لے کر اب تک پورے 100 سال ہو چکے ہیں اور اسی سال خدا تعالیٰ کی تقدیر نے جماعت کو تجدید عہد بیعت کی بھی توفیق عطا فرمائی ہر آغاز کے ساتھ کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور کچھ درد انگیز کہانیاں بھی ہر آغاز کے ساتھ قربانیوں کی ایسی داستانیں وابستہ ہوتی ہیں کہ زندہ قوموں کا فرض ہے کہ گاہ بگاہ ان داستانوں کو دہراتے رہا کریں کسی نے کہا ہے زندہ خواہی داشتن گرداہائے سینہ را گاہے گاہے بادساں آن قصے پاری نرا یا گاہے گاہے بادساں ہاں دفتر پاری نہ رہا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے سینوں کے داغوں کو ہمیشہ زندہ رکھو اور روشن رکھو تو کبھی کبھی وہ پرانے قصہ ہے درد بھی دہراتے رہا کرو اس پہلو سے جب میں نے آغاز احمدیت پر غور کیا تو میرا ذہن مان آغاز اسلام کی طرف منتقل ہو گیا کیونکہ نور کا اصل سرچشمہ
जो कुल आलम के लिए फूटा था, उसका आगाज तो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही के जात से शुरू हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि वो दर्द की कहानियां क्यों ना बयान करूं जो आगाज इस्लाम से वाबस्ता हैं, और बाकी सारे नूर की शक्लें तो उसी एक शक्ल से फूट रही हैं, जैसे दरख्त की शाखें एक ही तने से फूटा करती हैं। इस पहलू से जब मैंने गौर किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि नूर के आगाज के वक्त दुनिया की एक अजीब मुतजाद कैफियत हो जाया करती है। एक तरफ तो अकलों को जला दी जाती है और नूरुन अला नूर का मंजर होता है, और दूसरी तरफ सोच विचार की सारी कुव्वतें मफलूज हो जाती हैं, अफकार बिगड़ जाते हैं, नजरियात बिगड़ जाते हैं, कल्बी रुझानात बिगड़ जाते हैं, आमाल बिगड़ जाते हैं, और कोई भी मुनासिबत उस इस दूसरे फिनोमिनान को पहले से नहीं होती। यहां तक के यूं महसूस होता है गोया कुरान करीम की ये आयत अपनी पूरी शान के साथ इतलाक पा रही है कि हमने इंसान को आसन तकवीम से बनाया, सुम्मा रददना हो असफल साफिलीन, फिर उसको असफल साफिलीन की तरफ लौटा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जमाने में ये दो मनाज़िर बड़ी नुमाया और इम्तियाजी हैसियत से एक दूसरे के मुकाबले खड़े हुए नजर आते हैं। एक तरफ असफल साफिलीन का मंजर है और एक तरफ आसन तकवीम का मंजर है। इस मजमून का आगाज मैं ताउन के दो तस्वुरात पेश करके करना चाहता हूं। एक वो ताउन का तस्वुर है जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे वही इलाही के मुताबिक, और एक मुकाबिल पर कुफारे मक्का का ताउन का तस्वुर था। इन दोनों को आप देखें तो हैरान होंगे कि एक ही वक्त में एक ही आबो दिल से पलने वाले, एक ही रोशनी और एक ही हवा में सांस लेने वाले वजूदों के तस्वुरात में कितना जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कुल या किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون। कि ऐ अहले किताब, मैं तुम्हें एक ऐसे कलमे की तरफ बुलाता हूं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है, बस मुआशरे की इस्लाह के लिए और जमाने के दुख दूर करने के लिए सबसे बेहतर उसूल यही है कि मुश्तरक कदरों को पकड़ा जाए और इख्तलाफ की बातों को फते पुष्ट डाल दिया जाए, और ताउन का जहां तक ताल्लुक है वो मुश्तरक कदरों ही में हो सकता है। बस आपने ये ऐलान किया कि आओ जिस खुदा को तुम वाहिद मानते हो उसी खुदा की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूं। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये कदर मुश्तरक हमें एक ताउन की तरफ जरूर बुला रही है। ये तो तसव्वुर था ताउन का जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वही के मुताबिक पेश फरमाया, और फिर फरमाया ताउनू अल बिर व तक्वा,
कि कोई भी तुम मजहब रखते हो किसी को गरज नहीं, खुदा को वाहिद समझते हो या नहीं समझते, लेकिन नेकी पर तो तावुन करो, क्योंकि नेकी का तावुन तो तमाम इंसानों के दरमियान एक कदर मुश्तरक है। लेकिन इस तावुन के जवाब में आदीस से हमें यह पता चलता है कि कुफारे मक्का ने एक तावुन की अजीब राह तलाश की। उनका बिगड़ा हुआ तावुन का तस्वुर यह था कि कदरे इश्तराक में तावुन नहीं बल्कि कदरे इख्तिलाफ में तावुन होना चाहिए। कुछ हम तुम्हारे खुदा की इबादत करते हैं, तुम कुछ हमारे खुदाओं की इबादत करो, कुछ तुम अपने सच को मानो, कुछ हमारे झूठ को मानो, और इसी तरह हम भी कुछ तुम्हारे सच को मानेंगे, कुछ अपने झूठ को मानेंगे। ये अजीब गरीब तावुन का बिगड़ा हुआ तसव्वुर है। एक ही वक्त में मक्के से ये दो तावुन के ऐलानात हो रहे थे। फिर इस मुतजाद सूरत हाल का एक अजीब मंजर यह नजर आता है कि अरब की वाज़े अक्सरियत ने यह फैसला किया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों के दीन का नाम हम रखेंगे, क्योंकि हम वाज़े अददी अक्सरियत रखते हैं, यह हमारा हक है कि हम उनके दीन का नाम रखें। और जहां तक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों का ताल्लुक है, उनका यह नजरिया था कि उनको यह भी हक नहीं कि अपने दीन का नाम रखें। चुनाचे इस जुर्म में उनको तरह तरह की अज़ियतें दी जाती थी कि तुम अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो, और उनका नाम साबी रखा गया। चुनाचे अबू इमामा बहली ने जब इस्लाम कबूल किया और अपनी कौम की तरफ वापस लौटे तो रवायत आती है कि उनकी कौम ने उनसे कहा, बलगना अन्ना का सबौता इला हाज़र रजुल, कि हमें तो यह इत्तला मिली है कि तू साबी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद इसके कि मुसलमान अकलियत जानती थी कि हमारा मुसलमानी का दावा इनको पसंद नहीं है, फिर भी वो अपने आप को मुसलमान ही कहते रहे। चुनाचे हजरत सुमामा बिन उसाल का जवाब ये था जब उनसे साबी का उनको कहा गया कि तुम साबी हो गए हो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान हुआ। हजरत इब्ने उमर रवायत करते हैं कि जब मेरे बाप उमर मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, है कुरैश तुम में से कौन है जो मेरी इस बात का ऐलान लोगों में कर दे कि मैं मुसलमान हो गया हूं। उन्हें बताया गया कि जमील बिन मामर में यह खूबी है कि वो बात सुनते ही मुश्तहिर कर देता है। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जमील के पास तशरीफ ले गए और जाकर उसको बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूं। उसी वक्त वो उठा और अपनी चादर घसीटते हुए चल पड़ा और मस्जिद हराम के पास पहुंचकर कुरैश काबा के अंदर यह ऐलान किया कि ऐ लोगों, उमर बिन अल खत्ताब साबी हो गया है। मान वो तमाम कुरैश मक्का जो वहां बैठे हुए थे वो हजरत उमर पर दिल पड़े और जिस तरह जिसको तौफीक मिली उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस जुर्म की सजा देने की कोशिश की। हजरत अबू ज़र गफ्फारी बयान करते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ तो पहली मर्तबा जब मक्के आया इस खौफ के साथ कि कहीं किसी ताकतवर आदमी से मैंने पूछा तो वो मुझे मारे ना, मैंने अपनी तरफ से एक कमजोर आदमी को चुना और उससे दरियाफ्त किया कि वो शख्स कहां है जिसको तुम साबी कहकर पुकारते हो। अबू ज़र फरमाते हैं कि उसने मेरी तरफ इशारा किया और शोर मचा दिया कि साबी है, ये साबी है, अहले वादी मुझ पर टूट पड़े, ईंट पत्थर रोड़े और हड्डियों के साथ मुझे इतना मारा कि मैं होश व हवास खोकर जिस तरह सर उठा भाग पड़ा।
बस ये दो मुतकाबिल मनाजिर भी हमें नजर आते हैं, जब कदरें बिगड़ती हैं, जब तस्वुरात बदल जाते हैं, जब अकलों पर पर्दे पड़ते हैं, तो उस वक्त नूरे नबूवत के मुकाबले पर खड़े होने वालों की ये कैफियत हो जाया करती है। यहां तक जुल्म हुआ हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों के साथ कि कलमा पढ़ने से रोका गया। कुरान करीम फरमाता है कि जब खुदाए वाहिद का जिक्र उनके सामने किया जाता है, वो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इस पर मुश्तइल हो जाते हैं और वो नफरत करने लगते हैं और इस बात की इजाजत नहीं देते कि खुदाए वाहिद का जिक्र किया जाए। हजरत जुबैर बिन अवाम कबीले असद से ताल्लुक रखते थे, एक जवान मर्द आदमी थे। जब हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और कलिमा शहादत पढ़ा, तो इस जुर्म में उनके जालिम चचा उनको चटाई में लपेट कर उनके नाक में आग का धुआं दिया करते थे और तौबा के लिए इसरार करते थे, लेकिन वो इसी हालत में चटाई में लिपटे लिपटे बेहोश हो जाया करते मगर कलेमे का इनकार ना करते। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो लोहार थे, हम थे, तलवारें बनाया करते थे। जब आपने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान किया, तो इस जुर्म में उनकी मालिका ने उसी भट्टी से जिसको वो तापा करते थे गरम गरम लोहे की सिलाखें निकाली और आपके जिस्म को उनसे दागा और इसी तरह करती रही। लेकिन रावी बयान करते हैं कि वो कभी अपने मकसद में कामयाब ना हुई। खब्बाब बेहोश तो हो जाया करते थे मगर तौहीद बारी ताला या रिसालत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो पहले इस्लाम लाने वालों में से थे और उन मजलूमीन में से थे जिन पर तरह तरह के मजालिम तोड़े जाते और मजबूर किया जाता कि किसी तरह तौहीद बारी ताला का इनकार कर दो। अबू जहल के मुतल्लिक आता है कि वो आपको मुंह के बल गिरा देता, तेज धूप में ऊपर चक्की रख देता ताकि धूप उसे खूब गर्म करे और कहता कि अब मोहम्मद और मोहम्मद के रब का इनकार करो, मगर बिलाल नीम बेहोशी की हालत में यही फरमाया करते आहद 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 आहद, वो एक है वो एक है और उसका इनकार मेरी जुबान से मुमकिन नहीं है। इसी हालत में आप बसा औकात बेहोश हो जाया करते। हजरत बिलाल के मुतल्लिक लिखा है बहुत सच्चे और पाक दिल थे। अबू जहल की तरह उमैया बिन खल्फ भी आपको बाहर ले जाता, जिस वक्त दोपहर की धूप चिलचिलाती और रेत खूब गर्म हो जाती, वो पीठ के बल आपको मक्के की संग्रेजों पर लिटा देता, फिर किसी को हुक्म देता कि बड़ा सा पत्थर उठा के लाओ, वो पत्थर आपके सीने पर रख देता, फिर आपसे कहता तू इसी हालत में रहेगा यहां तक कि तू मर जाए या मोहम्मद का इनकार कर दे, मगर आप उस मुसीबत में भी यही कहते आहद 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 आहद, इससे सवा उनकी जुबान से कोई और कलमा ना निकलता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा तौहीद पढ़ा तो आप तकरीर के लिए खड़े हुए और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने की तरफ लोगों को बुलाया। इस पर मुशरिकीन ने मक्का हजरत अबू बकर पर टूट पड़े। उतबा बिन रबिया आपके नजदीक आया
और दो रंगदार जूतियों के साथ मारने लगा और जूतियों के किनारे की तरफ से आपके मुंह पर मारता था। फिर अबू बकर के को लेटाकर उनके पेट पर कूदा, यहां तक कि आपका मुंह और नाक पहचाना न जाता था। बनू तैम आए और वो अबू बकर को कपड़े में डालकर घर ले आए। लोगों को आपकी मौत में कोई शक न था। आपके वालिद और बनू तैम आपसे बातें करने की कोशिश करते रहे। दिन के आखिरी हिस्सा में जब आपको होश आई तो आपने सबसे पहली बात यह की कि पूछा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? इस पर वो सारे हमदर्द आपको लान तान करके छोड़ गए, इसके दिल से तो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं निकलती। बस देखिए कैसे जमाने की अकदार बिगड़ी हैं और कैसे दो मुतजाद वजूद पैदा हुए। एक तरफ इशार था कि हम कलेमा पढ़ेंगे और इसके लिए हर कुर्बानी देंगे, और दूसरी तरफ इशार था कि हम हर कुर्बानी लेंगे और तुम्हें कलमा नहीं पढ़ने देंगे। अजान से भी रोका गया। अगरचे शुरू में अजान का तरीक राइज नहीं था, लेकिन उस वक्त तकबीर से रोका जाता था। जब अजान का तरीक शुरू हुआ तो उस वक्त रवायत आती है कि उरवा बिन मसूद साकफी हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे इजाजत चाही कि वो अपनी कौम की तरफ लौट जाएं। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूं कि तुम्हारी कौम तुमको कत्ल कर देगी। ताहम आपने इजाजत दे दी। अब कौम की तरफ लौटे। जब सहरी रात वहां गुजारी और जब सहरी का वक्त आया तो उठे, और जब फजर तुलू हुई तो अपने घर के सहन में खड़े होकर अजान दी। इस अजान को सुनकर एक बदबख्त वहां पहुंचा और पेशतर इसके कि आप नमाज शुरू करते, तीर चलाकर आपको अजान के जुर्म में हलाक कर दिया। इबादत से भी उनको रोका गया। चाँचे कुरान करीम में अल्लाह ताला इसका जिक्र करते हुए फरमाता है, अरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सवा। कि तुम उस बदबख्त को नहीं देखते कि जब मेरा बंदा यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए खड़ा होता है तो उसको रोकता है। इसके मुतल्लिक यह रवायत आती है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जबकि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और अबू जहल ने आपकी पीठ पर ऊंटनी की बच्चादानी फेंक दी थी। इसी हालत में आप जब सरनिगूं थे तो आपको अल्लाह ताला ने ये आप पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, अरायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद भी रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज थे और आपके गिर्द कुरैश बैठे हुए थे। उकबा बिन अबी मुईद ज़िबा करदा ऊँटनियों की बच्चादानी लाया और हुजूर की पीठ पर फेंक दी। हुजूर उस बोझ से अपना सर ना उठा सकते थे। उस वक्त हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई और आपकी पीठ पर से उस बच्चादानी को हटाया। हजरत उरवा बिन जुबैर रवायत करते हैं कि मैंने एक दफा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से कहा, मुझे उस सख्ती के बारे में कुछ बताओ जो आगाज इस्लाम में कुफारे मक्का ने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रवा रखी। उन्होंने बताया कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सीने काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उकबा बिन अबी मुई आया और आपके कंधे मुबारक को पकड़ा और आपकी गर्दन में कपड़ा डाला और इस शिद्दत से गला घूंटा कि गोया दम ही निकल जाएगा। उस वक्त हजरत अबू बकर आगे बढ़े और उकबा के कंधे को पकड़ा और कहा, क्या तख्तलून रजुलन अन यकूल रबी अल्लाह,
वक़्त जा तुम बिल बैनात के ऐ ज़ालिम, क्या तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल करते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और अपनी सदाकत के खुले खुले निशान लेकर आया है। मसाजिद से भी आपको रोका गया और आपके गुलामों को रोका गया। मसाजिद की तामीर खुले सहनों में करने का तो सवाल ही कोई नहीं था, खुली जगहों पर करने का तो सवाल ही कोई नहीं था। अपने घरों में भी लोग मसाजिद तामीर करने से रोके जाते थे, यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक अरब की पनाह मिली तो ये इजाजत मिली कि वो अपने घर के सहन में मस्जिद बनाएं। चुनाचे कुरान करीम उनके इस रवैये का जिक्र करते हुए फरमाता है, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ البقرہ آیت 115۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکا کہ ان میں خدا کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے جائز نہ تھا کہ اس بارے میں دخل اندازی کرتے اور مسجدوں کو ویرانی سے روکتے، مگر ان کا تو حق یہ تھا کہ خدا سے ڈرتے ڈرتے ایسے معاملات میں قدم رکھتے۔ ابتدائی ایام میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تکبیر تک کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھی اور 30 تک پہنچ گئی تو پہلی مرتبہ حضرت ارقم نے جو اپنا گھر پیش کیا سن 490 میں، اس گھر میں اکٹھے ہو کر خفیہ خفیہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حضرت ابو بکر کو یہ اجازت ملی کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائیں، لیکن وہاں بھی جب آپ تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے تو لوگوں کی دل آزاری ہوتی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، نماز علانیہ نہ پڑھتے تھے نہ تلاوت کرتے تھے سوائے اپنے گھر کے اندر۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد اپنے گھر کے صحن میں بنا لی، مشرکین کی عورتیں اور ان کے لڑکے وہاں جمع ہوتے اور یہ نظارہ دیکھتے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا ان کے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا، چنانچہ قریش مکہ نے گھبراہٹ میں ابن دغنہ کو بلا بھیجا جس نے آپ کو پناہ دی تھی اور مسجد میں خانہ میں مسجد بنانے کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی سختی سے حضرت ابو بکر کو اس فعل سے روکا۔ یہاں تک ان کے جذبات دل آزاری کی طرف مائل، دل آزاری کے خیالی تصورات کو قبول کرنے کی طرف مائل تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ باتیں جن سے دلوں کو خوش ہو جانا چاہیے اور سینے کھل جانے چاہیے، ان باتوں سے بھی ان کی دل آزاری ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت سے وہ سخت دل آزاری محسوس کرتے تھے۔ قرآن کریم اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان کے اس رجحان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا
हज आयत 73। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयात पढ़ी जाती हैं तो मुनकरों के चेहरे पर शदीद नापसंदीदगी के आसार नजर आते हैं, तो देखता है कि नापसंदीदगी से उनके चेहरे बिगड़ रहे हैं। करीब होता है कि वो उन लोगों पर टूट पड़े जो उनके सामने हमारी आयात की तिलावत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के मुतल्लिक रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्के की गलियों में ऊंची आवाज से तिलावत के लिए आपका इंतखाब किया। एक दिन सहाबा बैठे हुए थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द, तो किसी ने कहा कि खुदा की कसम कुरैश ने इस कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ा हुआ कभी नहीं सुना, कौन है आज जो उनको बुलंद आवाज से इस कलाम को सुना सके। इस पर किसी ने कहा कि हमें एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए जिसकी कुछ जमानत हो, जिसका खानदान बड़ा हो और वो उसकी हिफाजत का जिम्मेदार हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मुझे छोड़ो, मैं जाकर यह फरीजा अदा करता हूं। चुनाचे आप गए और मुकाम इब्राहिम के पास जुहा के वक्त पहुंचे। कुरैश अपनी अपनी मजालिस में थे। आपने बुलंद आवाज से कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। मुशरिकीन मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि उम्मे अब्दुल्ला के पोता की ये जुर्रत। फिर कहा कि ये कुछ हिस्सा वही का पढ़ रहा है जो मोहम्मद लाया है। चुनाचे मुशरिकीन आपको मारने लगे और खास तौर पर मुंह और होंठों पर मारते थे, यहां तक के वो कहते हैं कि फिर मुझे उतना दुख पहुंचा जितना अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में रखा हुआ था। फिर वो अपने साथियों में वापस लौट आए, सारा चेहरा चोटों के निशान से भरा हुआ था। सहाबा ने कहा, हम कहते नहीं थे हम तेरे बारे में डरते हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह के दुश्मन कभी भी मेरे नजदीक आज से ज्यादा जलील नहीं ठहरे। तुम अगर चाहो तो कल फिर भी मैं ऐसा ही करूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी किस्म की दिल आजारी का यह वाकया बयान करती हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सहन खाना में मस्जिद बनाई, और जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, लोगों की दिल आजारी होने लगी और वो शिकवा करते हुए इब्ने दगाना के पास पहुंचे। तो इब्ने दगाना हजरत अबू बकर के पास आए तो उनसे ये बातें हुई, ये तफसील के साथ हजरत आयशा ने बयान की। उन्होंने आते ही कहा कि अबू बकर, मैंने तुम्हें इसलिए तो पनाह नहीं दी थी कि तू मेरी कौम को दुख पहुंचाए। इतना दुख पहुंचा रहा है तू कि अपने सेने खाना में मस्जिद बना ली है और तिलावत करता। हजरत अबू बकर ने इसके जवाब में उससे कहा कि मैं तो अपने रब को याद करता हूं, तिलावत करता हूं और मैं तो किसी को दुख नहीं देता। हां, अगर तू ये चाहता है कि मैं तेरी पनाह तुझको लौटा दूं तो मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा, हां तेरी पनाह तुझको वापस लौटा दूंगा। उस पर इब्ने दगा ने कहा कि हां मेरी पनाह मुझको वापस कर दे। तब अबू बकर ने कहा कि मैं तेरी पनाह तुझको वापस करता हूं। एक तरफ यह कैफियत थी और दूसरी तरफ हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल इन लोगों के हक में क्या था। इतना बड़ा हौसला था, ऐसा वसी दिल था, ऐसा इंसानी हमदर्दी का जज्बा आपके दिल में पाया जाता था कि आम दुनिया के मामलात और अखलाक में आम लोगों से तो दरकिनार अपने शदीद दुश्मनों के साथ भी रवादारी का सलूक फरमाया करते थे। एक मौके पर एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो आं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन खड़े हो गए। सहाबा समझे कि शायद आं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं कि ये कौन है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा था। आपने फरमाया, हां मुझे पता है यहूदी का जनाजा है।
लेकिन रवादारी और अखलाक ये फर्ज है, इसके बगैर इंसानियत की कदरें मुकम्मल नहीं होती। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म के बावजूद उस यहूदी के जनाजे आने पर एहतराम खड़े हो गए। फिर आपके जज्बे रवादारी का ये हाल था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आपने अपनी कौम को हदायत दी कि ठीक है, मैं अफजलुल अंबिया हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं, लेकिन जब तुम मुझे मूसा से अफजल कहते हो तो बाद लोगों की दिल आजारी होती है, इसलिए मेरे हक के बावजूद ला तुफज्जिलूनी अला मूसा, मुझे मूसा पर फजीलत ना दिया करो। मुराद ये थी कि यहूद के सामने बेवजह जिक्र की जरूरत नहीं। फिर यूनुस इब्ने मत्ता एक आम मामूली नबी हैं, नबियों में कोई ऐसा बहुत बड़ा मुकाम नहीं है कि जो हजरत मूसा के बराबरी करें, लेकिन उसके बावजूद बाद लोगों के दिल में हजरत यूनुस बिन मत्ता की बड़ी कदर थी और बड़ी मोहब्बत पाई जाती थी। चुनाचे उनके मुतल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुफद्दिली तुफद्दिलूनी अला यूनुस बिन मत्ता, मुझे उस पर भी फजीलत ना दिया करो। जहां तक आपकी मस्जिद का ताल्लुक था, एक तरफ तो लोग मुसलमानों की मस्जिदें वीरान कर रहे थे, उनको अपनी मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना यह था कि 10 हिजरी में जब नजरान का ईसाइयों को वफद हाजिर हुआ, 60 सवारों का वो काफिला था, असर के वक्त मस्जिद नबी में पहुंचे, वो उनकी नमाज का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेहने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की यानी ईसाई नमाज पढ़ने की इजाजत दी। चुनाचे उन्होंने अपने किबले की तरफ मुंह करके वहां नमाज पढ़ी। बाद मुसलमानों ने उनको सेहने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से रोकना चाहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमा दिया। इसी तरह ताइफ से बनू सकीफ का एक वफद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये मुशरिक लोग थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सेहने मस्जिद नबी में खैमादनी की इजाजत अता फरमाई। उस पर बाद सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, क्या इरशाद इलाही नहीं आता कि इन्नमल मुशरिकून नजस हूं, कि मुशरिकीन तो नजस लोग हैं, आपकी मस्जिद और मुशरिकीन यहां आकर खेमे लगाएं ये तो नापाक कर देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि शिर्क की नजासत खुदा की जमीन को नापाक नहीं किया करती, वो अपने ही वजूद को नापाक किया करती है। यह मतलब है इन्नमल मुश्रिकून नजसुन का। हज से भी आपको रोका गया। चुनांचे कुरान करीम इसका जिक्र करते हुए फरमाता है, इन्नल्लज़ीन कफरू यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल मस्जिदिल हराम अल्लज़ी جعلناه للناس سواء الواقف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ ये बैतुल हराम से रोकने लगे हैं, जो तमाम बनी नौ इंसान के दरमियान हमने बराबर बनाया है, लेकिन उसके बावजूद अगर इल्हाद और जुल्म की राह से ये रोकेंगे तो हम उनको मुतनब्बे करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब अलीम की इनको खुशखबरी दी जाती है। फिर फरमाया, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबुहुल्लाह वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाहू इन औलियाहू इल्लल मुत्तकून।
अक्षरम लायलम। इनको क्या हो गया है, इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि बावजूद इसके कि मस्जिद हराम यानी खाना काबा से लोगों को रोक रहे हैं, फिर भी अल्लाह उनको अजाब से अजाब नहीं देगा, हालांकि वो दर हकीकत उसके मुतवल्ली नहीं है। खुदा के नजदीक उसके मुतवल्ली सिर्फ वही लोग हैं जो मुत्तकी हैं, लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग इन बातों को नहीं जानते। यहां तक नजरियात में इख्तलाफ हुआ कि दूसरों के घर भी उनको अपने घर बनाकर रहने की इजाजत न दी गई। यानी अजीब किस्म का दावा था अददी अक्सरियत का कि ना तुम्हें अपने मजहब का नाम रखने की इजाजत है, ना तुम्हें अपने खुदा की इबादत का हक है, ना तुम्हें अपनी तर्ज की इबादत गाहें बनाने की इजाजत है, जो तुमने अपने घर तामीर किए हैं वो भी तुम्हारे नहीं, उन पर भी हमारा हक है और तुम्हारा हक नहीं। चुनांचे इसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب। कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ये वो लोग हैं जिनको खुदा की खातिर हिजरत इख्तियार करनी पड़ी और इनको अपने घरों से निकाल दिया गया। अब्दुल्ला जुल बिजादैन यतीम थे, अपने चचा की गोद में पले, वो उन पर एहसान करता रहा, लेकिन जब उसको ये खबर मिली कि अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं तो इस हालत में उनको घर से निकाल दिया कि उनके तन बदन के कपड़े भी न रहे। वो अपनी मां के पास आए और उससे एक चादर मांगी और उसके दो टुकड़े किए, को तहमत बनाया और एक ऊपर कमीज के तौर पर ओढ़ने के लिए ले ली, और यही जायदाद थी उनकी। वो लेकर खुश खुर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले गए। जब इब्ने दगाना ने हजरत अबू बकर से पनाह ले ली और उनके लिए कोई चारा कार नहीं रहा, इतने दुख दिए गए कि वो वहां रह नहीं सकते थे। उस वक्त हजरत अबू बकर कहीं जा रहे थे तो इब्ने दगाना की नजर उन पर पड़ी। मालूम होता है पुराने ताल्लुकात से वो जज्बा रहम लौट आया। उसने कहा, अबू बकर तुम कहां चले हो? आपने फरमाया, मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है और उन्होंने मुझे तकलीफ और दुख देने में इंतहा कर दी है, यहां तक कि मेरी जिंदगी मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश मशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर जब आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनको हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत अता फरमाई। चुनाचे ये मुहाजिरीन का पहला काफिला था जो अपने घरों से निकाला गया। हजरत उसामा बिन जैद बयान करते हैं कि जब फतह मक्का के रोज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान और शौकत के साथ मक्के में वापस लौटे तो किसी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, क्या आप अपने घर में क़याम फरमाएंगे? आपने फरमाया कि अकील ने मेरे लिए कौन सा घर छोड़ा है,
यानी मेरी हिजरत के दौरान पीछे सारे घर बेच बाच के खा बैठा है, मेरा कौन सा घर शहर मेरा है। फिर ये मामला यहां तक आगे बढ़ा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को अपनी मनकूहा बीवियां रखने के हक से भी महरूम कर दिया गया, अपने बच्चों को अपने पास रखने के हक से भी महरूम कर दिया गया, और जबरदस्ती तलाकें दिलवाई गई कि चूंकि तुम लोग साबी हो गए हो नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक, इसलिए अब तुम्हारा अपनी बीवियों पर भी कोई हक नहीं रहा। यानी ना मकानों पर हक रहा, ना बीवियों पर हक रहा, ना तजारतों पर हक रहा, ना अपनी जात पर हक रहा। यह हक भी नहीं कि हम अपने आप को क्या कहें। यहां तक हद कर दी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जाती नाम रखने के हक से भी मारूम कर दिया, और कहा गया तुम मोहम्मद कहते हो अपने आप को, ये तो बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, तुम्हें क्या हक है कि इतना अच्छा नाम रखो, हम तुम्हारा नाम रखेंगे। और मुजम्मम नाम रखा नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक। तो जब यहां तक हालत पहुंची तो जैसा कि मैंने बयान किया है, बीवियों को जबरदस्ती खामनों से अलग किया गया। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब अबू सलमा ने मदीना जाने का फैसला कर लिया तो आपने अपने ऊंट को खूब खिला पिला कर मोटा किया और मुझे उस पर सवार किया, साथ ही मेरे बेटे सलमा को सवार किया, और फिर हम ऊंट लेकर चल पड़े। जब बनू फईरा अब्दुल्ला बिन उमर मखदूम ने उनको देखा तो वो हमारे आपकी तरफ लपके और कहा ये तेरी जात तो हमसे जुदा हो सकती है लेकिन हमारी साथन को कहां लेके जा रहा है। ये कहकर उन्होंने ऊंट की नुकेल उनके हाथ से छीन ली, मुझे पकड़ लिया और अपने खामन से अलग करके उसको अकेले हिजरत की इजाजत दी। इस पर बनू असर अब्दुल असर गुस्से में आए और वो सलमा की तरफ आते हुए ये कहने लगे कि खुदा की कसम हम अपने बेटे इस औरत के पास नहीं रहने देंगे। यानी बीवी को यह हक नहीं था कि वो खावंद के साथ जा सके और बेटों को यह हक नहीं था कि मां के पास रह सके, वे तमाम हुकूक मुतलफ हो चुके थे। चुनाचे वो कहती हैं कि मेरे बेटे भी मुझसे छीन लिए गए। मेरा हाल उस वक्त यह था, कहती हैं कि मैं शाम को बाहर निकल जाया करती और सुबह को बाहर निकल जाया करती और वीरानों में बैठ के सारा दिन रोती रहती थी। इसी तरह इसी हालत में रोते रोते सुबह से शाम होती और शाम से सुबह हो जाती, यहां तक कि साल पर साल गुजरने लगा। आखिर बनू मुगीरा हैं ये, फईरा नहीं, बनू मुगीरा में से मेरे चचाजात भाइयों में से एक शख्स को मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे इजाजत दी कि मैं अपने खामन की तरफ चली जाऊं। बस बिगड़ी हुई कदरों का यह भी हाल था कि बीवियां रखने के हक से भी महरूम हो गई कौम, और बच्चे रखने के हक से माएं महरूम हो गईं, माएं रखने के हक से बच्चे महरूम कर दिए गए। हजरत रुकैया बिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही सलूक किया गया। कुरैश उतबा के पास गए और उनसे कहा कि तुम रुकैया बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाक दे दो। अबू जहल ने कहा कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, जब तक तुम इस लड़की को तलाक नहीं देते उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। चुनाचे उतबा इस दबाव के नीचे मजबूर होकर हजरत रुकैया बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाक देने पर राजी हो गया। फिर जब ये सब चीजें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों के दीन को ना बदल सकी और वो इस्तकामत के बेहतरीन नमूने दिखाते रहे, तो तब उन्होंने ये सोचा कि इनको अलग करके एक ऐसी वादी में कैद कर दिया जाए, इस तरह इनका सोशल बायकॉट किया जाए कि इनके लिए खुद जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए। चुनाचे इस वाकया का
जिक्र मुख्तलिफ तारीखों में बड़ी तफसील से मिलता है। किस तरह मुश्किल हालात में उन सहाबा ने 3 साल तक शेब अबी तालिब में शदीद भूख प्यास की अजियतें बर्दाश्त करते हुए वक्त गुजारा है, इसकी कैफियत का बयान इस छोटी सी जगह में मुमकिन नहीं। मुख्तसरन मैं सिर्फ ये बयान करता हूं कि सहाबा कहते हैं कि हमारी उस वक्त हालत यह थी कि कई कई वक्त फाके करके होश नहीं रहती थी कि क्या चीज खाने के काबिल है और क्या चीज खाने के काबिल नहीं है। चुनाचे साद बिन अभी वकास रवायत करते हैं कि यह हाल था मेरा भूख से कि एक दफा रात को मैं जा रहा था तो मेरे पांव के नीचे कोई नरम सी चीज आई। अब मैं नहीं जानता कि वो कीड़ा था या कोई और गंदगी थी या खजूर थी। उस वक्त भूख का ये आलम था कि मैंने यही सोचा कि खजूर होगी, चुनाचे वो उठाकर मैंने इस तरह गले में डाली कि मेरे मुंह को मस न कर सके और मुझे पता न लगे कि क्या चीज, और वो गले में गिरी और अंदर चली गई और हंसा करते थे कि मुझे आज तक पता नहीं कि मैं क्या खा गया। तो ये कैफियत थी उन मजालिम की जिसकी दास्तान जैसे कि मैंने बयान किया है 3 साल पर फैली पड़ी है। और हालत यह थी कि जब वो शदीद तकलीफ में निकलकर बाहर कुफार के पास जाकर बाद दफा मजबूर हो जाया करते थे कि उनसे पानी तलब करें। रवायत में आता है कि ऐसे ही मौके पर अबू अमामा बहली ने जब पानी तलब किया तो उनको जवाब दिया गया कि पानी का तुमसे क्या ताल्लुक, पानी तो खुदा का पानी है, तुम पर हराम है, हम हैं खुदा के बंदे, तुम्हारा क्या ताल्लुक खुदा ताला से। चुनाचे ये जवाब सुनकर अबू अमामा के मुतालिक आता है कि वहीं शदीद गर्मी में तपती हुई रेत पर बगैर पानी के सो गए। इन तमाम मजालिम की दास्तान बहुत तवील है लेकिन आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल अगर एक मुख्तसर वाकया में बयान किया जाए तो मैंने उसके लिए इस वाकया का इंतखाब किया है जो अभी मैं आपके सामने पेश करने लगा। यानी इतनी तवील मजालिम की दास्तान के जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की क्या कैफियत थी, हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज ये है, उसी पर नजर रखनी चाहिए, वही हमारा मकसूद और मतबू है, उसके सिवा हमारे दिल का कोई और रद्द अमल नहीं हो सकता। बस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत इन तमाम मजालिम के जमानों में यह थी कि एक दफा खबाब बिन अर्थ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह मुसलमानों को कुरैश के हाथों से इतनी तकालीफ पहुंची हैं, इतनी तकालीफ पहुंच रही हैं कि अब तो हद ही हो गई, या रसूलुल्लाह बद्दुआ क्यों नहीं करते। आपने जब यह सुना लेटे हुए थे उस वक्त जोश से उठकर बैठ गए और आपका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। आपने फरमाया देखो तुमसे पहले वो लोग गुजरे हैं जिनका गोश्त लोहे के कांटों से नोच नोच कर हड्डियों तक साफ कर दिया गया था और जिनके जिस्म आरों से चीर दिए गए लेकिन उन्होंने उफ न की। देखो खुदा इस काम को जरूर पूरा करेगा जो काम उसने मेरे सुपुर्द किया। यह था हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल। यही तरबियत थी जो आपने अपने गुलामों को दी और यही रद्द अमल हर तरफ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तरफ से जाहिर होता रहा। हजरत खुबैब बिन अदी के मुतालिक आता है कि वो जब जान देने के लिए खड़े हुए और तलवार उन गिरने को थी ताकि उनके सर को तन से जुदा कर दे तो कोई घबराहट कोई वावेला नहीं था,
हाँ, दो शेर उनकी जुबान पर जारी हुए और हमेशा के लिए उनकी याद को भी जिंदा जावेद कर गए। उन्होंने कत्ल होने से पहले ये अशार पढ़े, वमा उबालिया ही न उक्तलो मुस्लिमा अलाई शिकिन काना लिल्लाहे मसराई وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَنْ يَشَاءُ يُبَارِكَ لَا أَصَالِ شِرٍ مُمَزَّئِ اے کفار، میں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ میں جب مروں گا، قتل کیا جاؤں گا تو کس پہلو پر گروں گا، اللہ آئیے شکن کانا للہ مس رہی، کیونکہ خدا کی خاطر ہے یہ میری موت، تو مجھے تو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کی خاطر جب میرا سر جدا ہوگا تن سے تو میں کس کروٹ پہ گروں گا۔ ذالک فی ذات اللہ و ان یشاء، خدا کی قسم یہ سب کچھ خدا کی خاطر ہو رہا ہے، اور اگر وہ چاہے یبارک علی اوصال شرب ممزئی، میرے بدن کے ذرے ذرے کو برکتوں سے بھر دے۔ یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا رد عمل، اور یہی ان کو تعلیم دی گئی تھی۔ پس آج آغاز اسلام کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں درود بھیجنا چاہیے اس محسن اعظم پر، محمد رسول اللہ والذین معہ، کس شان کا وہ رسول تھا اور کس شان کے وہ غلام تھے جو آپ کے ساتھ تھے، کیسی اعلیٰ تربیت ان کی گئی اور کیسا پیارا تربیت کا رنگ انہوں نے پکڑا۔ آج کی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ ہم درود بھیجیں اس محسن اعظم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجیں روح بلالی پر، اور سلام بھیجیں روح خباب پر، اور سلام بھیجیں روح قبیب پر۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین و آسمان ٹل جائیں، مگر یہ تقدیر نہیں بدل سکتی کہ ہمیشہ ہر حال میں نار ابو لہبی یقیناً شکست کھائے گی اور نور مصطفی یقیناً کامیاب ہوگا۔ کوئی نہیں جو بلالی آواز ہاتھ کو مٹا سکے، کوئی پتھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑھ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکے، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت سے، کی شہادت سے کسی کو باز رکھ سکے۔ یہ یقیناً زندہ رہے گا، یہ واقعہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، یہ غالب آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مغلوب آنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
Amen.